अस्सलाम वालेकुम, मैं बम्बई की रहने वाली हूँ। मैं इधर मस्कट में हूँ, बहुत परेशान हूँ, यहाँ के फंस गई हूँ। प्लीज़ मदद कीजिए हम लोग की। मेरी हस्बैंड बहुत बीमार है, प्लीज़ मदद करो। और यहाँ पर बहुत सारे औरत लोग हैं, प्लीज़ हेल्प करो हम लोग की। सलाम अलैकुम, यहाँ हमें मस्कट में इंडियन एम्बेसी में ही बहुत लोग हैं, 80 पर 5 लोग हैं, बहुत से लोग फंसे हुए हैं। ज़रूर से हमारी मदद कीजिए, मेरा हस्बैंड बहुत बीमार है। मैं इधर आई मदद लेने के लिए, मेरा पासपोर्ट घुमा दिया। इधर एम्बेसी कोई मदद नहीं कर रही, हमारे को कोई साथ नहीं दे रहा। आप इतने लोग हैं, 80 पर 5 लोग हैं, सबकी मदद कीजिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया होगा, आपको सब साथ दीजिए। सर, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। हम इंडियन एम्बेसी में, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत लोग हैं यहाँ फंसे हुए। हमें ये बोल देते हैं बस आज नहीं कल निकालेंगे। अब तक हमें 6 महीने हो गए यहाँ पे, कोई नहीं हमारी हमें निकाल रहा, कोई नहीं सुन रहा है, क्या करें। अभी हम बोलते हैं, पहले इंडिया में 60,000 एजेंट ने लिया, अभी यहाँ से बोलते हैं 2-2 लाख दो, अब जाओ कहाँ से दें हम। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम क्यों यहाँ मरने आते, हमारे बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे हमारे बच्चे क्यों छोड़ के हम यहाँ। बोलो मस्कट की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट हमारी मदद करो, हमारी हेल्प कीजिए किसी ने, प्लीज हमारी वीडियो वायरल सब मिलके हमारी हेल्प कीजिए। इंडियन गवर्नमेंट और मस्कट की गवर्नमेंट हर अच्छे इंसान हमारी मदद कीजिए, मदद करो। हम आपकी गुजारिश कर रहे हैं कि सब गरीब लोग हैं, कोई सौकर नहीं। बोलो मस्कट की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, पूरे जने बोलो मस्कट की गवर्नमेंट, मदद कीजिए। ओके, सलाम वालेकुम भाई। हम सारे लोग जितने भी हैं सब इंडियन हैं, और हम वहाँ से दिल्ली से, मुंबई से, एचआर ऑफिस से, और स्काई वाले से, और नासिर वाले से, इन लोगों से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लगभग 1.5 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया उन लोगों ने हमसे लिया है। यहाँ हमें 8 घंटे की ड्यूटी बता के भेजा था, और 1400 रियाल सैलरी। हम यहाँ आए 16 घंटे और 14 घंटे की ड्यूटी मांग रही है हम कंपनी हमसे। 3 महीने हो गए हम लोगों को किसी को भी कोई एक भी सैलरी नहीं मिली कंपनी की तरफ से, ना खाने के लिए कोई पैसा मिला। जो हमारे रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, हम उनसे 100-150 रुपए लेके अपना यहाँ का खर्च पूरा कर रहे हैं। 4-5 लोग बीमार हैं, कंपनी उन्हें दवाई की सहूलियत नहीं दे रही, ना एचआर वाले हमारे सुन रहे हैं, ना स्काई वाले हमारे सुन रहे हैं, और ना नासिर वाले। हम हर रोज यहाँ से कंप्लेंट करते हैं, कोई हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है, हमें टाला जा रहा है। यहाँ शिरका मुइन अल बशरिया इसका नाम है, जहाँ हमें भेजा था धोखे से, सप्लाई कंपनी में भेजा, सबको धोरे से बतलाया नहीं वहाँ पे, और यहाँ हम फंस गए। बोलो, 3 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है, ना खाने का कोई पैसा मिला है। हम इधर बैठे हैं, एचआर के बंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये एचआर के बंदे हैं, ये अलनासर से हैं। मैं स्काई से हूँ, ये स्काई से भाई, सबको वाट लगा दी। 3 महीने हो गए इधर, 1 रुपया सैलरी का नहीं मिला, 1 रुपया सैलरी का नहीं मिला, हर बंदा परेशान है। हम सोशल मीडिया से अपनी हेल्प ले, अगर जो ऑफिस वाले हमें नहीं बुला सकते तो बतला दे, हम मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात आगे पहुंचाएंगे। शुक्रिया भाई।